जो 20 दिन का प्रोसेस था वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा। मुझे लगता है मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि मैं सिक्किम से निकल करके आसाम आया हूँ, और वो भी माजुली आइलैंड आया हूँ। मतलब मेरे को पहले ऐसा नॉलेज था नहीं कि यहाँ क्षत्रिय डांस फॉर्म सिखाया जाता है। जब हम आए तो हमें लगा था कि जब जिस तरह का फॉर्म होगा हम बहुत ईजिली अडेप्ट कर लेंगे, लेकिन 20 दिन में वो सीखना, स्टार्टिंग के जो जितनी मेहनत ये करवाते हैं वो बहुत हार्ड होता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको सुबह उठना पड़ता है, जितने टीचर्स हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब आप क्लास में जैसे इंटर करोगे सबकी एकदम चेहरे पे एकदम अच्छी सी स्माइल होती है, इतने खूबसूरत तरीके से पढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे अच्छी जो चीज़ है सीखने की वो है कि कितने सहज तरीके से हम ज़िंदगी को जी सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ है, आसपास सब कुछ है, लेकिन जो लोग सिंप्लिसिटी के साथ अपनी लाइफ जीते हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ यहाँ से जाएगा वो यही जाएगा। जितने भी अध्यापक हैं उन्होंने मतलब हमेशा ये सिखाया कि जो भी आप कर रहे हो वो आपकी लाइफ से आपके पास आ रहा है। ये जो लोग हैं एनवायरनमेंट के बीच में रहते हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा असर इन पे है। मुझे लगता है कि हम भी कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे यहाँ से। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कहूँगा अगर किसी के पास मौका है तो एक बार माजुली ज़रूर आए और यहाँ पर सीखे और ये सत्र ज़रूर घूम करके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग सुनाए यन नाम अखिल लोक शोक शवनम। ये एक्चुअली मैं जहाँ से आता हूँ, मैं बहुत दूर से आता हूँ, मैं मतलब माजुली और मेरा दूर दूर का संबंध नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ पर आया 20 दिन के लिए। सब अध्यापक लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया, कितना सीखा, कितना डांस सीखा, कितना गाना सीखा ये पता नहीं, लेकिन यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन और यहाँ के लोग और यहाँ के लोगों की हंसी, क्योंकि जब हम लोग शहर में रहते हैं हम शहर के लोगों ने हंसी जो है वो भूल चुके हैं, तो ये जो असली हंसी है, जो इनोसेंट स्माइल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ हम लेके जा रहे हैं तो ये इन लोगों की हंसी है और इन लोगों का प्यार और इन लोगों के आशीर्वाद है। बस यही है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए और बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। चार भाग
देख चार गलत जगह पर थक बस राम ने दगड़ छुटाया आसन लगे इधर इधर से कौन सा है Woo!
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दोनों तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे ईस्टर्न ट्रेनिंग है वैसी वेस्टर्न ट्रेनिंग है। ये दोनों ट्रेनिंग इसलिए अलग है क्योंकि दोनों का दर्शन अलग है, दो अलग फिलोसॉफी है। वेस्ट जिस तरीके से दर्शन को देखते हैं और ईस्ट जो दर्शन को देखते हैं, ये जो हम निराकार में सब कुछ ढूंढते हैं, वेस्ट में एक अलग फिलोसॉफी है जो ग्रीस से आया, इजिप्ट से आया, क्रीट से आया। और ये जो हमारी परंपरा है, ये दोनों परंपराओं के रास्ता अलग है, लेकिन कला के लिए, एक अभिनेता के लिए पहुंचना एक ही जगह पर है। कभी मैं वेस्टर्न थ्योरी के खिलाफ नहीं हूँ, दोनों ट्रेनिंग मेरे पास है। ये जो ट्रेनिंग है, ये जो जिसको हम परंपरा कहते हैं, समय के साथ साथ परंपरा को जीवंत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही परंपरा है जिस परंपरा से आधुनिक शब्द निकला है। और आज भी अगर देखा जाए, अगर सत्र की अगर फॉर्म की मैं बात करूं, ये आज भी आधुनिक है। आधुनिक हम उसको कहते हैं जो समय के साथ चलता है। ये जो समय के साथ चलना, परंपरा इसको लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 1000 साल पुराना है वैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आज के समय में हो रहा है। और ये जो छात्र छात्रियां हैं, इनके लिए अपने परंपरा को जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार उस नामघर की तरफ देखकर जो आस्था मन में पैदा होता है, एक अभिनेता क्या करते हैं, कोई चरित्र है जो हवा में है, वो चरित्र का यहाँ नहीं होता है, वो उस हवा से उस चरित्र को अपने अंदर लाता है। ये हमारा जो दर्शन है निराकार को, हम अंदर जो आकार देते हैं, ये इस परंपरा की शिक्षा है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, स्पेशली जब पूरे देश से लोग आते हैं, बच्चे सारे देश से है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग खाना, अलग अलग पहनाव, सब अलग है। उनको 20 दिन में तैयार करना, ये बहुत कठिन काम है। और इसका श्रेय, क्रेडिट स्टूडेंट को तो हम देंगे ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा देंगे सत्र के अध्यापकों को, जिन्होंने उनके अंदर ये बीज बो दिया। ये बीज हमारा, हम किसी को एक्टर, डायरेक्टर, डिज़ाइनर नहीं बना सकते हैं। हमारे पास कोई गोली नहीं है, खा लो एक्टर बन गया, डायरेक्टर बन गया, डिज़ाइनर बन गए। सिर्फ साधना से ही हो सकता है, और साधना के लिए जो चीज़ चाहिए, मेहनत और धैर्य, पेशेंस। पिछले 20 दिनों से यही गुरुजियों ने इनको ये सिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इनके अंदर बीज बनकर रहे, जब बाहर निकलेंगे ये बड़ा पेड़ एक दिन बनेगा, और उसका श्रेय, एक बड़ा श्रेय सत्र को जाएगा। गोटे जदिव NSD रे वर्कशॉप करिसिलो, तथापि तो एबार सिक्किमर पर आहा जेखनी आमार छात्र छात्रमी पालो, तेलोकर अंतरखन बिरात साहसी, आरो ए अनुष्ठान करि आमी साफल्य होइसे बुली भाबो। एतु कारणे তেওঁলোকে শিকোৱাত থাকি যিটো অলপ কৰিলে বহুত বহুত মানে অপৰাধ কৰা যেন পালোঁ। তেখেতসকলৰ, তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ আশীৰ্বাদ যে মাজুলীৰ পৰা যিটো আমাৰ গুৰুজনাৰ কলাকৃষ্টিৰ ওপৰত তেওঁলোকে যিখিনি দখল লৈছে, সেই দখলখিনি যাতে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত, বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী আহিছে ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা, সকলোখিনি সকলো জেগাতে যেন গুৰুজনাৰ কলাকৃষ্টিখিনি উপস্থাপন কৰক আৰু ভালদৰে